So, welcome to the channel, guys. Myself, Pushkar, our YouTube channel name, Cricket Gamer 7 Pass. So, guys, जैसा कि आप देख सकते हो, आज हम खेल रहे हैं Zombie Hunt. काफ़ी टाइम बाद एक गेम में आया और मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगता है ये मतलब मूड. और आपने एक बात नोटिस कर लोगी, आज हमारे संग नटूरे भाई, उनके हमारे नेचर भाई, ये जो हैं भाई काफ़ी टाइम बाद आए हैं, बड़े आदमी हो गए हैं. अब क्या कर सकते हैं, हम कहाँ ठहरे छोटे आदमी, ये लोग बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी बातें, हम क्या जाने हैं. सीधी बात है भाई, काफ़ी टाइम बाद गेम में आए, इसको इज्जत को दे रहा हूँ मैं, आराम कर सकता हूँ. ये काफ़ी टाइम बाद गेम में आया आराम ही. मैं तो बोलूँगा भाई, मेरा दोस्त है. हालांकि आपको उसकी आवाज़ नहीं आ रही है क्योंकि मेरे माइक में कुछ दिक्कत है, आवाज़ नहीं आती है सामने वाले की, बट कोई बात नहीं, मेरी आवाज़ आ रही होगी ना. वो जब बोलता है मैं आपको बता देगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ. और ये गेम पता नहीं मेरे को, ये वाला मोड मेरे को बहुत अच्छा लगता है पर्सनली. आया पर्सनल फेवरेट कुछ मतलब, फिर कभी वर्ड को प्रोनाउंस करने में गलती कर देता हूँ और वो अच्छा नहीं लगता है. फिर फेवरेट, हाँ उसको बात नहीं, छोड़ो. फेवरेट, हाँ अब सही है, फेवरेट बोल रहा ना, कोई बात जो भी समझो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ता है भाई ये पता. सब बात है, कहने में अच्छी लगती हैं, तो जो सोचता है सोचें तो हमको फ़र्क नहीं पड़ता, पर एक्चुअली ह्यूमन नेचर को तो बहुत फर्क पड़ता है सामने वाले के सोचने से. और एक सच्चाई भी है, फ़र्क पड़ता है, हालांकि पड़ना नहीं चाहिए, पड़ता है. अगर आपको बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ आ रही है बर्तनों की तो माफ़ करना भाई, मैं अभी घर में रहता हूँ, मुझे कोई पर्सनल रूम नहीं है वीडियो बनाने के लिए, तो फिर करना पड़ता है. तो मुझे थोड़ी तबीयत भी ऐसी हो रही है, खास ही कह पा रही है, मैं क्या ही कर सकता हूँ. आप लोग को थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही होगी बैकग्राउंड की, पर उसको थोड़ा सा अवॉइड करिए, अवॉइड करना सीखो. मतलब मजाक कर रहा हूँ पूरा नहीं मानने का, तो जो भी है अच्छी बात है. आज काफ़ी टाइम बाद वीडियो डालता हूँ, मैं शॉर्ट डालना ज़्यादा प्रेफर इसलिए करता हूँ क्योंकि देखो इसके पीछे मेनली दो रीज़न मैं आपको समझाता हूँ, मतलब बताता हूँ क्या होता है कि अब वीडियो बनाता हूँ. अब मेरे को एक वीडियो बनाने में लगभग अभी मैं मेरे हिसाब से ये वीडियो ये 2.5 मिनट की वीडियो हो चुकी है, मतलब दो 30 मिनट की वीडियो हो चुकी है, 2 मिनट 30 सेकंड की वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है. अब ये मैंने इसलिए इजी मोड की, ओए ओए एक बटे घंटे, और नटूरे भाग अबे तीनों मर गए, नटूरे भाग, अगर ये मर गया ना तो हम पूरा मोड हार जाएंगे. अरे भाग भाई, क्या कर रहा है वो, आ जाएंगे और नटूरे भाग भाग आदमी. अच्छा अब मत भाग भाई, तो मर जा मैं आ गया भाई, अब तू बॉट है तो मर जा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं आ गया ना. अब सुन लो आ गए, क्या होता है इस मोड को आपने खेला हुआ तो पता होगा आप लोगों को कि अगर आप चारों लोग मर जाते हैं ना तो दिक्कत से, तो हम हार जाते हैं. हम क्या कह रहा था, हाँ मैं जैसे वीडियो बनाता हूँ, अभी वीडियो मेरे हिसाब से 5-10, 5-6, 8-8 मिनट की बन जाएगी, इसलिए मैंने इजी मोड की वीडियो बनाई. मैं क्या उसमें मजा भी नहीं है इतना कुछ खास, फालतू में वीडियो लंबी बनाया कुछ फ़ायदा भी नहीं है, तो इसलिए वीडियो थोड़ी छोटी रखता हूँ, कभी कभी बड़ी बनती है वो कोई इशू नहीं है, पर तब भी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में. और शॉर्ट पे इतना कुछ अच्छा सपोर्ट, मैं बताता हूँ क्या रीज़न है. एक तो पता नहीं मेरे चैनल पे ना अभी कुछ टाइम पहले 2 कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई थी, मैं IPL की वीडियो डाल दी थी तो उसकी वजह से 2 कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई चैनल पे. और अभी रीसेंट दिनों में क्या हुआ है, अरे मर जाऊँगा मर गया भाई. रीसेंट दिनों में क्या हुआ है, मेरे 2 शॉर्ट्स पे से ना गाना डाल दिया है, पता नहीं क्या रीज़न देते हैं, गंदा सा मेरे समझ में कभी नहीं आता है, पर गाना बिल्कुल हटा दिया है. तो वो भी एक स्ट्राइक टाइप ही है, कॉपीराइट स्ट्राइक तो नहीं है पर एक स्ट्राइक टाइप ही है. तो यूट्यूब अगर ऐसा कभी होता है ना तो यूट्यूब चैनल की रीच ख़त्म कर देता है. ये बताऊँ कि यूट्यूब का ना, यूट्यूब की वाली बुरी लगती है. और मेरे चैनल की रीच बीच में बहुत अच्छी हो गई थी, एक वीडियो पे कम से कम 10 व्यू आए थे, तो हाँ आदमी को मन करता था बनाने का. फिर IPL चालू हुआ है, उस टाइम मेरे स्कूल भी खुल गए थे तो मुझको टाइम नहीं मिल रहा था, जो टाइम मिलता था उसमें मैं मैच देखता था, तो इसलिए मैंने वीडियो बनाना भी कम कर दिया था. तो जो भी था, मतलब जो भी रीज़न था, तो उस टाइम मैं IPL की वीडियो डाल दिया करता था ताकि चैनल डेड ना हो जाए. उसके बाद कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई, 28 दिन का तो वैसे ही हो गया, फिर 14 दिन का होता है शायद, ऐसे होता है. तो जो भी हुआ, जो भी रीज़न था, मैंने कहानी आपके संग सब शेयर कर दिया आज. मैं मतलब बातें करते करते जीत जाता हूँ, फर्स्ट नंबर पे आता हूँ, देख रहे हो कितना प्रो हूँ, जलवा हमारा. पर जो भी है जैसा भी है,
अब जो वीडियो आएगी वो बढ़िया आएगी, अच्छी आएगी। बहुत सारी बातें बातें आज खत्म कर दी हमने, और सारी वीडियो में कुछ बातें होंगी। तो ऐसे इसी के साथ आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शुरू कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उस घंटी बटन को ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताना वीडियो कैसी लगी। बस चलो मैं इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।